बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कि हम अपने डेटा में डुप्लीकेट कैसे फाइंड करें। किसी भी कॉलम में हमें डुप्लीकेट देखना है तो हमें कैसे देखेंगे। तो डुप्लीकेट देखना तो बड़ा सिंपल है, चलिए सीखते हैं। तो बेसिकली ये मेरी शीट वन है जिसमें कि मेरा डेटा है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे को सिटी में कितने डुप्लीकेट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ई कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद हाइलाइट्स, सेल रूल्स, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज। उसके बाद देखो यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है और यहाँ पे वैल्यूज ये कलर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट होता है तो यही रहने देना। आप इसमें चेंज कर सकते हो येलो या ग्रीन, तो आप हमेशा यही रखना, ये बाय डिफॉल्ट होता है, और इसे ओके कर देना। तो यानी इसका मतलब ये है, ये जितने भी डुप्लीकेट हैं, जितने भी कलर एक जैसे हैं, वो डुप्लीकेट है सारे, ठीक है। और जितने भी जिन पे कलर नहीं है वो यूनिक है। तो हम ऐसे डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज हम दोबारा अप्लाई करेंगे कंट्री में, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज, उसके बाद ओके। तो ये देखो सारे यहाँ पे डुप्लीकेट है, केवल एक आयरलैंड ऐसा है जो कि यूनिक है, और नॉर्वे और पोलैंड। आपको अगर लगता है कि ये डुप्लीकेट हम कैसे चेक करें, अगर मान लीजिए अब जैसे सपोज दैट ये तो इसमें डुप्लीकेट था, सेम आईडी में तो कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वैसे आईडी में नहीं होता है। बट हम दोबारा कर एक बार करते हैं ट्राई, सेम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर हाईलाइट रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, और हमारा ओके। तो हमारा इसमें देखो कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो अब हमें इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी, तो देखो आ गया डुप्लीकेट। तो ऐसा हमारा डुप्लीकेट वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो अब इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपको अगर कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।